हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और नरक चौदस की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो नरक चौदसी बोलते हैं, नरक चतुर्थी बोलते हैं, जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता। धनतेरस के दिन दूसरे दिन आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, ठीक है? और आज आप लोगों ने क्या बनाया है खाने में, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आज आप क्या स्पेशल क्या बनाया। हमारे यहाँ तो तैयारियाँ चल रही हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, उनके वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे कि क्या स्पेशल हम लोग बना रहे हैं। कंटिन्यूशन में मेहनत भी चल रही है और बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं दोस्तों। इसका वीडियो अभी आने पर, अभी मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी दिखा दिया तो सस्पेंस कहाँ से रहेगा, है ना? सस्पेंस रहना भी कभी कभी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, हाँ, आज खाने में मेरे यहाँ क्या बना है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने खाना बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि दिवाली का काम है आप लोग को मालूम है, तो इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं, क्योंकि कल तो सारे पकवान बनने ही है, कल दीपावली है। तो आज सिर्फ सिंपल खाना, हमने सिर्फ आलू गोभी की सब्जी और रोटी बस, और कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि आप लोगों को मालूम हमारे घर में 10-10 तरह की सब्जियाँ बनती हैं, जो आज हम लोगों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं विष्णु राज और मालती की। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि सारा चीज का खुलासा हो चुका है। लेकिन अब मैं जो बोलने वाली हूँ उस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को करना क्या है। इस विष्णु राज को तो इतने जूते चप्पल मारो मारो, 100 गिनो 1, फिर मारो 100 गिनो 1, क्योंकि जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर सकता वो आदमी, वो पति क्यों कुछ भी कहलाने लायक नहीं है, है ना? ना मर्द बोलो ऐसे आदमी के लिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि ऐसे आदमी की तो अच्छी पिटाई लगाओ, है ना? और गोरखपुरिया भौजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनके खिलाफ केस करिए, जरूरत पड़े तो हम सब भी आपका साथ देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है यूट्यूब पर बिल्कुल भी, क्योंकि कल के दिन इनको देख के, और भी अब आप लोगों को तो मालूम है, रिंकी जी आपको भी मालूम है कि एक कोई ऐसा करता है उसको देख के 10 मेंढक खड़े हो जाते हैं उसको देख के करने के लिए। आपको मालूम है जैसे अश्लील वीडियो बनाना स्टार्ट हुए, उनको देख देख के कितने कपल आ गए जो फालतू के वीडियोस बना रहे हैं। सेम उसमें से ये के विष्णु राज जी भी हैं, है ना, जो अपनी बीवी के साथ इनने कितने गंदे गंदे तरीके से वीडियो बनाए हैं। तो यहीं से इनका जो दिखता है ना संस्कार कैटेगरी, यहीं से दिखती है कि जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे। इससे और भी तो कपल हैं, आप खुद देखिए, जैसे कि विजय रिया ब्लॉग है, कभी देखा इस तरीके के? वो भी तो मतलब छोटी जगह से ही बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। कभी देखा, कभी साथ में बैठे भी ढंग से नहीं देखा होगा उन लोगों को, एक दूसरे को टच करते हुए भी नहीं देखा होगा, बहुत रेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू का कोई काम कर रहे हैं वो लोग, तो ऐसे लोग भी हैं, वो भी छोटी जगह से ही बिलोंग करते हैं। और एक इन लोगों को देख लीजिए, और ऐसे बहुत से लोगों को देख लीजिए जो खुले आम अश्लीलता दिखा रहे हैं। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, प्लीज प्लीज। वो जो जनता उनके सब्सक्राइबर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो। क्यों देखते हो आप लोग ऐसे? अच्छे कंटेंट भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, उनको देखो ना। इनको देखने में क्या मजा आ रहा है आप लोगों को? क्या चीज मिल रही है आप लोगों के लिए इनको देखने में, सिवाय दिमाग खराब के कुछ नहीं है ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सच में कि इतनी गालियां दो ऐसे आदमी को, और मतलब क्या नाटक रचा जा रहा था, पूरा नाटक देखिए आप। कि अबीर गुलाल जो भर के, मैंने उसी दिन बोला था कि पीले कलर का कोई सिंदूर नहीं होता है ना, जो इसने कहा ना कि सिंदूर भर के, और ऐसे कोई शादी भी नहीं होती है, फेरे नहीं हुए, कन्यादान नहीं हुआ, ये कुछ हुआ उसको शादी बोलते हैं, जब पूरी रस्मों के साथ शादी हुई होती है वो शादी होती है ना, फेरे लगते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ सिर्फ अबीर गुलाल भरने से शादी हो गई आज, लेकिन अर्जुन ने भी आ गया वापस और रिंकी जी को कॉल किया, उसको मैंने देखा है, तो उसने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि विष्णु राज नहीं, पैसे दे के 5,000 रुपये दे के ये सारा स्क्रिप्टेड करवाया था, है ना? क्योंकि अलग ही दिख रहा था। मैं कल भी उस अपने वीडियो में बोल रही थी कि मालती हंस रही थी, है ना? उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो अलग थे, अर्जुन के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो अलग थे उस टाइम पे। अलग ही समझ में आ रहा था कि ड्रामा, इतने बड़े उसमें गुलाल लेके आए और मांगे भर दी। गुलाल अकेले से क्या शादी हो जाती है आपकी?
आपके बताए गुलाल भरने से। ऐसे शादियां हो रही होती ना तो हजारों कपल रोज खड़े हो रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। और मैं तो बस आप लोगों से यही कहूंगी कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे बढ़ावा मत दो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों है, क्यों ऐसे लोगों को देखते हो यार। और लोगों को भी देखो जो रियल कंटेंट ला रहे हैं, अपनी रियल ब्लॉगिंग दिखा रहे हैं, वो सब देखो। ये अश्लीलता देखने में मजा आता है कि जब चाहे वो मर जाता है तो उसके बगल में बैठ के वो रोने लगती है मालती। ये सारी चीजें जब वो शुरू से ही अपना चैनल पे स्क्रिप्टेड ही तो काम कर रहे थे, आप लोग देखिए ना उनकी वीडियोस देखिए, अधिकतर स्क्रिप्टेड है। तो ये क्यों नहीं समझ में आया? जब मैंने देखा विष्णु राज के जो वीडियो आ रहे थे उसमें लोगों की सिंपैथी गेन कर रहा था वो, तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उस टाइम पे भी। लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, अरे विष्णु जी आप सुसाइड मत कर लेना, आप ऐसा नहीं करना, कितना आंसू, आदमी रो नहीं सकता है, औरत रो सकती है, फला फला ढेरों बात है। क्योंकि मालती तो है बेवकूफ, मैं आपको बताऊं मालती अलग ही लगती है, वो डम है, उसको कुछ भी अक्ल नाम की चीज नहीं है उस औरत में। आदमी जैसे नचाता है वो वैसे नाच रही है ना, उसके सरेआम नहा रही है तो वीडियो बना रहा है, कपड़े धो रही है तो वीडियो बना रहा है, गंदे तरीके से बैठी है तो वीडियो बना रहा है। तो ऐसे आदमी के साथ मैं तो कहूंगी जीवन है क्या, कुछ भी नहीं है ना, बहुत ही बेकार और आदमी है वो। उसको तो सच में रिंकी जी आप जाइए केस करिए उसके खिलाफ। और ये जो उसने झूठ बोला है और झूठ बोल के ये सारा सिंपैथी गेन किया है, ये बहुत बड़ा कांड है और एक शर्मनाक बात है। इस चीज को बिल्कुल भी नहीं बढ़ावा देना, नहीं तो ऐसे कितने लोग आके अब यही कांड, क्योंकि पहले भी यही हुआ था, आपने देखा था कि एक अश्लील वीडियो बना रहा था उसे देख के दूसरा बना रहा है, दूसरा देख के तीसरा बना रहा है, और बहुत ही गंदे तरीके से बना रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने लाइव भी रखी थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है, लेकिन इस तरीके का बढ़ावा मत दो बिल्कुल भी। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बहिष्कार करो, जरूरी है कि जो खुद अपनी बीवी का तमाशा बनाया, खुद ने उसका शादी रचवाया। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि रात के, मेरा वीडियो जो आया था उसमें बोला था मैंने कि रात के 12 बजे जब शादी कोई करवा रहा है तो क्या इसको पता नहीं होगा कि इसके बाद कहाँ गए हैं वो लोग? हैं, पहली बात तो वो शादी नहीं थी, और जब करवा भी रहे हो तो तुम्हें तो खुद कह रहे हो कि मालती अपना सामान उठा के ले गई, तो तुम्हें पता नहीं कि मालती कहाँ गई होगी? देख, जब अब पता चला है कि उसने तो 5,000 रुपीज भी दिए थे उनके लिए और कहा था कि 3 दिन बाद आना। यार ये कहते ना, ये कम पढ़े लिखे लोगों की निशानियां बेवकूफी वाली है ना, कि ये समझे, क्योंकि वो नशेड़ी है, ये बात तो आप लोग को पता ही है कि अर्जुन नशा करता है तो उसको तो कुछ लगा होगा कि अरे चलो अच्छा है, 5,000 रुपये मिल गए, हमारा चार छह वक्त का काम चल जाएगा नशा करने का। ये लेकिन इसको ये चीजों का नहीं पता था कि इससे उस सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या होगा, पर अच्छा रहा। और उसकी अर्जुन की वाइफ का भी मैंने कॉल सुना हुआ है, तो उसमें भी वो ये बोले कि नहीं मैं अपने पति के ही साथ रहूंगी, कोई गुलाल भरने से कोई शादी नहीं हो जाती। तो यहाँ उसकी वाइफ की समझदारी दिखी, और ऐसी समझदारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और तो मैं है ना, ऐसे मालती जैसे बेवकूफ नहीं रहना चाहिए, नहीं कोई भी कुछ भी कर रहे। तो मैं उसी दिन समझ गई थी कि सब विष्णु का करा कराया है पूरा, या तो ये व्यूज के लिए कर रहा है, डॉलर के लिए कर रहा है, जो भी ड्रामा हो, या फिर वो खुद शादी करना चाहता है राधिका से, तो मालती को अपने बीच में से हटा रहा हो बदनाम करके। ये सारी सोची समझी प्लानिंग है जो सामने आ चुकी है दोस्तों। तो प्लीज प्लीज बहिष्कार है ना, बस इतना ही बोलूंगी और आज कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे वैसे बहुत काम है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम।